नमस्कार, टारगेट ऑन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नवीन शर्मा आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सभी लोग? सो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुगल वंश को शुरू किया हुआ है और मुगल वंश में अभी तक हम लोग बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हमने ये भी देखा कि मुगल वंश कैसे सामने आया, कौन किन के वंशज हैं ये, उनके बारे में जान पाए। और आप सभी बच्चों को बता दें SSC MTS के लिए ये टारगेटेड फॉर्मेट आपके लिए है, जहाँ पे 30 डेज हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन है ना, और बाकी 30 डेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। किसी बच्चे ने कहा था कि सर हर टॉपिक के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे, पहले बेटा पूरा सब्जेक्टिव हो जाए, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जरूर करेंगे, है ना। तो हमने शेरशाह सूरी के बारे में कुछ समझा था और यहाँ पे शेरशाह सूरी के अभियान हमें ध्यान रखने हैं। 3 अभियान मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल क्रम में याद रखना है। इसमें लिख लेंगे हेडलाइन देके कि शेरशाह सूरी के अभियान, और इसमें लिखेंगे 1543। पहला अभियान इसका यहाँ पे ध्यान रखना है 1543 ईस्वी में एक अभियान है, उसके बाद 1544 में है 1544 ईस्वी में, और इसका अंतिम अभियान 1545 ईस्वी में तो 3 अभियान हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इनके नाम आपको पता हो। जैसे सबसे पहले अभियान की बात करें तो रायसेन अभियान ये MP में इसने अभियान किया, इसका नाम क्या है, रायसेन अभियान ठीक है जी, रायसेन अभियान। और इसमें किससे इसका मुकाबला हुआ, किससे, हालांकि इसमें विजय रहा है ना, किसको पराजित किया इसने, तो शेरशाह सूरी और पूरनमल चौहान, इन दोनों के मध्य ये हुआ। किन के मध्य हुआ, तो शेरशाह सूरी वर्सेस पूरनमल चौहान के मध्य ये अभियान देखने को मिलता है, क्लियर है यहाँ तक। तो पहला अभियान यहाँ पे ये हुआ और इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। अगला अभियान है इसका मारवाड़ अभियान, और मारवाड़ पड़ता है राजस्थान में, 1544 का मारवाड़ अभियान, 1544 का मारवाड़ अभियान। और मारवाड़ अभियान ये किनके बीच हो रहा है, यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। देखिए इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान ये रहा मारवाड़ अभियान, है ना, किसके बीच हो रहा है, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। इस अभियान को जीतने में शेरशाह सूरी को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, हालांकि अंततः जीता, लेकिन बहुत परेशान होकर ये जीता। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो आपको ध्यान रखना है शेरशाह सूरी का, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, है ना। इसी अभियान के लिए बोलता है कि छोटे से क्षेत्र को जीतने के लिए, मारवाड़ का है राजस्थान में, इसको जीतने के लिए अपना पूरा दिल्ली का, हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता, इतनी मशक्कत के साथ इसमें इसको जीतना पड़ा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक पॉइंट डाल के, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोलता है शेरशाह सूरी क्या स्टेटमेंट बोलता है, विजयी ये इसमें भी विजयी रहा है। स्टेटमेंट क्या है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। कौन से अभियान की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये भी आपको याद रखना है, मारवाड़ अभियान शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हो रहा है। और इसके जीवन का अंतिम अभियान 1545, इसी अभियान में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इस अभियान का नाम है कालिंजर अभियान। ये कालिंजर MP में पड़ता है, कौन सा है, कालिंजर अभियान। और ये इसके जीवन का अंतिम अभियान है कालिंजर अभियान। ऐसा बताते हैं कि उक्का नामक अस्त्र ये फेंकने जा रहा था, और फाइनली इसी के ऊपर गिर गया और ये मर गया। किसके मध्य हो रहा है, यहाँ पे नाम ध्यान रखें, शेरशाह सूरी और कीरत सिंह के मध्य हो रहा है। किनके मध्य हो रहा है, शेरशाह सूरी और कीरत सिंह के मध्य ये हो रहा है। और इसी में उक्का नामक अस्त्र चलाने के क्रम में, इसी के बारे में ऊपर लिख दे रहे हैं, इसी अभियान में क्या हुआ, उक्का नामक अस्त्र चलाने के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। उक्का नामक अस्त्र चलाने के क्रम में
इसकी मृत्यु हो गई और इसका हो गया चैप्टर समाप्त, है ना। यानी अब इसके बारे में कोई जानकारी फिर नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन अपने अपने इस शासनकाल में इसने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें मैं चाहूँगा दो महत्वपूर्ण कार्य एटलीस्ट आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला आप देखेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड का, जीटी रोड का निर्माण करवाया इसने, है ना, जीटी रोड। उसके बाद अपने आप का ही मकबरा इसने बनवा दिया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेरशाह सूरी के अभियान, नोट कर लिए हैं? हाँ जी। अब इसी में लिख लेंगे इसकी क्या उपलब्धियां रही, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। शेरशाह सूरी ने क्या काम करवाया, इसकी उपलब्धि, दो पॉइंट जरूर याद रखें शेरशाह सूरी के संदर्भ में कि इसकी उपलब्धियां क्या रही। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं चाहूंगा ध्यान रखें, एक तो स्वयं का मकबरा बनवाया, स्वयं का मकबरा इसने बनवाया, स्वयं का मकबरा बनवाया। और मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में, है ना, सासाराम बिहार। दूसरी उपलब्धि जी टी रोड, इसकी फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने निर्माण करवाया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है शेरशाह सूरी। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको याद रखना है कलकत्ता से लाहौर तक इसका डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक है, तो कलकत्ता से लाहौर तक ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये था मामला आपका पूरा शेरशाह सूरी का, लास्ट सेगमेंट, लास्ट क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग समझे थे काफ़ी चीज़ें इसके बारे में। और एक कुछ अंतिम पॉइंट जो शेरशाह सूरी के अभियान के संदर्भ में, ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ रुक करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समझा बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और शेरशाह सूरी। अब उसके बाद अगला टैलेंटेड शासक इसमें आता है, मुगल वंश की तरफ चल रहे हैं अब हम लोग वापस, अकबर, है ना, अकबर। अकबर हेडलाइन दीजिएगा और इसमें ज़रा समझ पाएं। अकबर अगला हेडलाइन है आप लोगों का, अकबर, है ना। अकबर के बारे में अगर बात करें तो देखिए 1556 से लेकर 1605 तक इसका कार्यकाल देखने को मिलता है, 1556 से 1605 तक इसका कार्यकाल देखने को मिलता है। इसके बचपन का नाम, इसका वास्तविक नाम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। लेकिन इसके जन्म के संदर्भ में अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, 14 फरवरी 1556 में बेसिकली इसको इसका राज्य अभिषेक करवाया जा रहा है, इसको बादशाह घोषित किया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मेंशन करेंगे 14 फरवरी 1556 जन्म, ये हम लोग देख चुके थे इसके बारे में, राइट। तो इसका जो राज्य अभिषेक है 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर, पंजाब में एक क्षेत्र है कालानौर, लिखेंगे पंजाब के कालानौर। ये कालानौर क्या है, पंजाब में एक स्थान है, पंजाब में एक लोकेशन है, पंजाब के कालानौर पर इसे बादशाह घोषित कर दिया गया। यानी यहाँ पे अब इसे बादशाह घोषित कर दिया गया है, आपने पढ़ा था कि हुमायूं ने निर्वासन काल जिया अपने जीवन में 15 साल का, और हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और इसको अकबर की प्राप्ति हुई, अकबर पुत्र की। उस समय ये बादशाह नहीं है, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, 1556 में मृत्यु हो गई थी, तब ये जाहिर नहीं किया गया कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। जब इसको बादशाह घोषित कर दिया गया उसके बाद ये बताया गया कि अब हुमायूं नहीं रहे। अगर पहले बता देते तो बाकी जो इर्द गिर्द लोग थे वो आक्रमण करके इस क्षेत्र को हड़प सकते थे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर जरा समझ पाएं कि अभी बालक है ये, है ना, अकबर जो है इस समय बालक है। इसका संरक्षक बनाया गया बैरम खां को, बैरम खां इसका संरक्षक बना हुआ है। और इसकी पत्नी है हरखा बाई, इसकी पत्नी का नाम, अकबर की पत्नी का नाम हरखा बाई, अकबर की पत्नी का नाम है हरखा बाई नाम ध्यान रखें। और यहीं से इनको पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका नाम है जहांगीर, है ना, सलीम। यहीं से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है सलीम और जिसको बोला गया जहांगीर, ठीक है जी। अगर सूफी संत की बात करें तो सूफी संत में ये चिश्ती संप्रदाय को पालन करता है, चिश्ती संप्रदाय का ये अनुयायी रहा, चिश्ती संप्रदाय। और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भारत में रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन ये जिनका अनुयायी रहा वो थे शेख सलीम चिश्ती, उनका नाम क्या है, शेख सलीम चिश्ती
चिश्ती, इन्हीं के नाम पे आप देखेंगे इन्हीं के नाम पे अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, लेकिन आगे चल के इसका नाम जहांगीर देखने को मिलता है। यानी ये इसका समर्थन करते हैं इस सूफी संत के संप्रदाय का, चिश्ती संप्रदाय, ध्यान रखना है। और अपने जीवन में सबसे ज्यादा ये प्रभावित है जिनको दाई माँ के नाम से ये बुलाते हैं, उनका नाम ध्यान रखेंगे माहम अनगा, है ना, जो इनकी दाई माँ है जिनसे ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, दाई माँ, दाई माँ, माहम अनगा, माहम अनगा। ऐसा बताते हैं कि जो दाई माँ कहती है वही अकबर कर रहे हैं, और दाई माँ का पुत्र जो कि शासन जो कि बादशाह बनना चाहता है, लेकिन अंततः फाइनली उसकी हत्या कर देते हैं सम्राट अकबर। तो जब उनको पता लगता है कि ये दुष्ट कृत्य कर रहा है, तो फाइनली फिर उसको षड्यंत्र कर रहा होता है, उसी क्रम में उसको मार देते हैं। तो दाई माँ, माहम अनगा, इनसे बहुत प्रभावित है अपने जीवन में, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अकबर के अभियानों की अगर बात करें तो देखिए, अभी बादशाह घोषित हुआ है, अभी पूरा यंग नहीं है, लड़ाई करने योग्य नहीं है, लेकिन जो उसका संरक्षक है बैरम खां, ये इसकी पूरी मदद करता है। तो यहाँ पे अगर हम अकबर के अभियानों की बात करें, अकबर, अकबर के अभियान, अकबर के अभियान, तो यहाँ पे ध्यान रखना है सबसे पहला अभियान कौन सा देख रहे हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हो रहा है, 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, याद आ रहा है, फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई। पानीपत का दूसरा युद्ध हो रहा है अकबर और हेमू के बीच में, किसके बीच में हो रहा है, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हो रहा है। इसमें कौन विजयी हुआ, इसमें अकबर विजयी हुआ और हेमू पराजित। इस समय इसका संरक्षण कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, बैरम खां, बैरम खां इसका संरक्षण करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 1556 में ये कारनामा हो गया, उसके बाद बैक टू बैक आप देखेंगे, तीन ईयर में लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखें, वहां से प्रश्न मिल सकता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझे, तीन ईयर में चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान रखें, 1562, 1563 और 1564, तीन ईयर बैक टू बैक, है ना, 1562, 1563 और 1564, तीन ईयर के संदर्भ में कि अकबर ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। इसमें 1562 की अगर बात करें तो दास प्रथा इसके समय पर जो मौजूद थी उसको समाप्त कर दिया। 1562 ने क्या किया, दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा को, दास प्रथा को समाप्त कर दिया, क्लियर है यहां तक। उसके बाद 1563 जैसी पहुंचा, तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था जो भी हिंदू लोग हैं उनसे, तो जब ये जाता है समाज में लोगों के बीच जाता है तो वहां इसको पता चलता है, तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करता है कि भाई अपने खुदा से मिलने के लिए कैसा टैक्स, है ना, तो तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। उसके बाद 1564 में जब ये पहुंचा तो जजिया कर को समाप्त करता है जो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, पढ़े थे हम लोग, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, तो ये जजिया कर को हटा देता है, समाप्त करता है, लेकिन औरंगजेब आगे चल के फिर इसको लगाएगा, अभी देखेंगे इसको, है ना। तो जजिया कर समाप्त, जजिया कर, जजिया कर समाप्त। तो ये तीन ईयर जो मैं चाहूंगा आप लोग जरूर ध्यान रखें जहां से आपको प्रश्न मिल सकता है अकबर के संदर्भ में, क्लियर यहां तक। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण युद्ध होता है इसका, हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध 1576। हल्दीघाटी कहां पड़ता है, राजस्थान। अगला लिखेंगे हल्दीघाटी का युद्ध, अगला हेडलाइन देंगे हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी का है, राजस्थान में है, लोकेशन याद रखें। और 1576 में यह अभियान हो रहा है, महाराणा प्रताप यहाँ पे इस समय शासक है, है ना। हल्दीघाटी का युद्ध 1576, और किसके बीच हो रहा है, अकबर और, अकबर और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के मध्य हो रहा है, और इसमें विजयी कौन होता है, अकबर ही होगा, जाहिर सी बात है अकबर होगा विजयी, यहाँ पे ध्यान रखना है, है ना। अच्छा, यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेंगे जो बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न के रूप में आ सकता है, नोट डालकर, नोट डालकर एक पॉइंट जरा समझ पाए कि अकबर की प्रथम विजय, अकबर की प्रथम विजय की अगर बात करें, अकबर की प्रथम विजय की अगर बात करें तो वो कौन सी है, मालवा की विजय है, मालवा, मालवा की विजय है। और अकबर की अंतिम विजय की अगर बात करें, ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, अकबर की अंतिम विजय, तो अंतिम विजय ध्यान रखेंगे असीरगढ़, असीरगढ़, आसे अंतिम, आसे असीर, ऐसे यू गाइस कैन रिमेंबर, है ना।
तो ये हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हो रहा है, कौन विजय हुआ, ये चीज कब हो रहा है, 1576, नोट डाल के दो पॉइंट याद रखना है, प्रथम विजय कौन सी है और अंतिम विजय कौन सी है, यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला महत्वपूर्ण अभियान गुजरात अभियान, 1572 और 73 के मध्य गुजरात अभियान। अगला है गुजरात अभियान, गुजरात अभियान 1572 से 73 के मध्य यह अभियान चलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान रहा। इसके बारे में क्यों प्रश्न बनता है, क्योंकि इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कई सारी चीजों को करवाया। यहाँ पे पुर्तगाली से भी मिलता है, पहली बार अपने जीवन में यह समुद्र को देखता है ना, तो महत्वपूर्ण अभियान। तो अब इसके संदर्भ में कौन शासक है यहाँ पे, तो यहाँ पे शासक है मुजफ्फर शाह तृतीय। यहाँ पे शासक कौन है, मुजफ्फर शाह तृतीय, ये यहाँ का इस समय शासक मौजूद है। और यहीं पे इसी अभियान के तहत, हालांकि विजय करता है इस अभियान की, और पहली बार अपने जीवन में अकबर ने समुद्र देखा। पहली बार अकबर ने समुद्र देखा। कब देखा, गुजरात अभियान के तहत, और उस समय शासक कौन है, मुजफ्फर शाह तृतीय। क्लियर यहां तक? और इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाता है ना, यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, मेंशन कर लेंगे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है जी, बुलंद दरवाजे का निर्माण कहां करवाया है, फतेहपुर सीकरी में, और किसके उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया है। ये नाम यहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग अकबर के नवरत्नों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न बन सकता है, और कई बार उन नवरत्नों के वास्तविक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला हेडलाइन दें अकबर के नवरत्नों में सबसे टैलेंटेड जो रहा वो था बीरबल, है ना, इतना बुद्धिमान था। ऐसा एक बार हुआ, अकबर ने इसको दंड का प्रावधान कर दिया कि अकबर हम तुमसे रुष्ट हैं और तुम्हें मृत्यु दंड देना चाहते हैं, बताओ कौन सी मृत्यु चाहते हो। दिमागदार तो था ही, तो इसने बोला कि यहाँ पर ना मैं जो है बुढ़ापे की मृत्यु चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ वाक्य देखने को मिलता है, तो ये अपने इस वक्तव्य से बच जाता है, ठीक है भैया जाओ तुम्हें बुढ़ापे की मृत्यु दे दी। तो इतना बुद्धिमान कहीं ना कहीं इसको बताया गया है। इसका जो वास्तविक नाम है महेश दास है, ध्यान रखेंगे, इसका वास्तविक नाम है महेश दास। अकबर के नवरत्नों में अगला है तानसेन, है ना, संगीतज्ञ, और इसका जो वास्तविक नाम है राम तनु पांडे। अगला देखेंगे अबुल फजल। अगला देखें अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये है। अगला लिख लें मानसिंह, इसके नवरत्नों में से एक, जो कि कहीं ना कहीं युद्ध वगैरह में इसकी काफी मदद करता है। उसके बाद टोडरमल, देखिए इसका पूरा राजस्व विभाग संभालता है। टोडरमल के संदर्भ में एक पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, राजस्व विभाग कौन संभालता है टोडरमल। उसके बाद नौवां रत्न देखने को मिलता है हकीम हुक्का। देखिए नौ रत्न तो रहे इसके दरबार में, लेकिन अकबर स्वयं अनपढ़ था। मुगल वंश में एकमात्र शासक जो अनपढ़ है वो है अकबर। हाँ, लेकिन एक वाद्य यंत्र बड़ा अच्छा बजाता था, और वो कौन सा था, ये वाद्य यंत्र नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था, वाद्य यंत्र नगाड़ा, ये ध्यान रखने हैं।
ठीक है जी, वाद्य यंत्र नगाड़ा, और अनपढ़ अकबर, अनपढ़ शासक कौन है? अकबर। ये इसके नवरत्न जो बिल्कुल आपको याद रहे, इनके बारे में, इनके बचपन का नाम कई बार पूछ लेता है। टोडरमल कौन से विभाग से है? तो ये है, कौन सा नवरत्न नहीं है, कैसा भी प्रश्न आ जाए यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। लीडियो होंगे स्क्रीनशॉट। वहीं पे बात करें, 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। ये सभी धर्म को संरक्षण देता है, कोई ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म को ही प्राथमिकता दे रहा है। हिंदू, मुस्लिम, जो भी अन्य धर्म है, सिख है, सभी को प्राथमिकता दे रहा है। और यहाँ पे इबादत खाने की स्थापना करता है फतेहपुर सीकरी में। कब स्थापना करी, ईयर के साथ याद रखें, 1575 में इबादत खाने की, इबादत खाने की स्थापना करी। कहाँ करी है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है जी। उसके बाद दीन ए इलाही की भी घोषणा की, दीन ए इलाही, देखिए दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, ध्यान रखेंगे, दीन ए इलाही एक विचार है, एक विचारधारा है ना। 1582 में कहीं ना कहीं इसको स्थापित कर रहा है, एक विचार जिसको ये लेके आता है। तो दीन ए इलाही क्या है? दीन ए इलाही एक विचार है जिसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखें, दीन ए इलाही एक विचार है। और ये कब स्थापित हो रहा है? 1575 में इबादत खाना, और ये 1582 में ये आपका यहाँ पे दीन ए इलाही की स्थापना करता है। इसके समय पे दो चित्रकार की चर्चा मिलती है, उनके नाम याद रखें, वो भी देखने को मिल सकते हैं कि किसका संबंध अकबर के चित्रकार से नहीं है, या कौन अकबर के समय का चित्रकार रहा है, वो चीज है ना। तो पहला है दसवंत चित्रकार, अकबर के समय के चित्रकार दो ही हैं जिनके बारे में उल्लेख मिलता है, एक है दसवंत, दूसरा है अब्दुल समद है ना। तो दो चित्रकार जिनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपका अकबर, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस आपके MTS एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला शासक जिसके बारे में उल्लेख मिलता है, इसका पुत्र जहांगीर है ना, इसके बारे में जरा समझ पाए। जहांगीर, देखिए अकबर जो है, आप देखेंगे इसके बारे में, जहांगीर जो विवाह करेगा उनके संदर्भ में जरा नाम ध्यान रखें। जोधाबाई ऐसा बताया गया कि अकबर के समय की थी, लेकिन ये भी चर्चा मिलती है कि जहांगीर की पत्नी थी, ये भी उल्लेख मिलता है ना। तो मूवी, डॉक्यूमेंट्री मूवी पे ना जाएं, जो इसके संदर्भ में कंटेंट है वो आपको ध्यान रखने। हेडलाइन दीजिए जहांगीर, 1605 से 1627। अगला हेडलाइन है 1605 से 1627, किसका समय है? जहांगीर, बचपन का नाम हम लोग देख चुके थे, और इसकी समाधि कहाँ है वो भी हम लोग पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। सबसे पहले बात करें तो 30 अगस्त 1569 में इसका जन्म हो रहा है फतेहपुर सीकरी में, 30 अगस्त 1569 है ना, इसका जन्म हो रहा है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हो रहा है, 30 अगस्त 1569 को जन्म हो रहा है। माता इसकी है हरखाबाई, जो अकबर की पत्नी है ना। माता कौन है? माता है हरखाबाई। पत्नी के संदर्भ में बात करें तो ये तीन विवाह करता है, तीन पत्नियों का उल्लेख मिलता है, उनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। तीन पत्नियां जिनसे इसको अपने पुत्र की प्राप्त होगी है ना, शाहजहां की, अभी देखेंगे उसके बारे में। सबसे पहली पत्नी इसकी मानबाई, और उसको उपाधि देता है शाह बेगम की, है ना। पहली पत्नी कौन है? मानबाई, और इसको उपाधि देता है शाह बेगम, ये उपाधि दे रहा है, शाह बेगम की उपाधि है। और मानबाई से, जिसको शाह बेगम की उपाधि दी है, इससे उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है खुसरो। क्या नाम है? खुसरो पुत्र की प्राप्ति इसको इससे हो रही है, खुसरो ये पुत्र है, ये उपाधि है, और ये पत्नी हो गई मानबाई। और अगली पत्नी जिसका वर्णन मिलता है वो है जगत गोसाई, इसी को जोधाबाई कहा गया है ना, जगत गोसाई। इसका पुत्र है खुर्रम, जगत गोसाई, इसी को उपाधि के बारे में चर्चा नहीं मिलती है, पुत्र इसका खुर्रम, पुत्र के बारे में नाम मिलता है खुर्रम, और यही खुर्रम आगे चल के आप देखेंगे शाहजहां के नाम से जाना जाएगा, है ना, खुर्रम शाहजहां यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद अगली पत्नी जिसका उल्लेख मिलता है जहांगीर के संदर्भ में, वो है मेहरुन निसा, और इसको उपाधि देता है नूर
जहां की उपाधि मेहरून निसा। अगला नाम क्या है? मेहरून निसा। और इसको ये उपाधि देता है नूर जहां। तो तीन पत्नियों का उल्लेख इसका मिलता है जहां से प्रश्न आते हैं। खुसरो किसका पुत्र है? शाह बेगम यानी मानबाई का। खुर्रम शाहजहां जगत गोसाई का पुत्र है, इसी को जोधाबाई के नाम से जाना गया है। मेहरून निसा नूरजहां की उपाधि इसको देता है, नूरजहां के संदर्भ में इसको कहता है। अब होता क्या है, खुसरो विद्रोह कर देता है। खुसरो जो है विद्रोह छेड़ देता है कि भैया मुझे शासक बनना है। और 1606 की बात, और फिर कहीं ना कहीं सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, उनको जहांगीर उनकी हत्या कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसकी मदद कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियोगे। अगला हेडलाइन दीजिएगा इसमें, 1606 में खुसरो का विद्रोह, है ना। 1606 में खुसरो का विद्रोह, 1606 में खुसरो का विद्रोह, या विरोध कह सकते हैं, खुसरो का विरोध। और इसी विरोध में सिखों के पांचवें गुरु, अर्जुन देव, पांचवें गुरु कौन है? अर्जुन देव की हत्या जहांगीर कर देता है। ठीक है जी, सिखों के पांचवें गुरु की हत्या अर्जुन देव की हत्या किसने की? बहुत डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। और ये तो हत्या कर दी, लेकिन खुसरो के साथ इसका युद्ध हुआ भैरावल का युद्ध। तो भैरावल का युद्ध किन के बीच हुआ है? खुसरो और इसी के संदर्भ में भैरावल का युद्ध। ये किसके बीच हो रहा है? खुसरो और जहांगीर इनके मध्य ये युद्ध देखने को मिलता है। इसको ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फाइनली खुसरो को पराजित कर दिया और खुसरो लाइन पे आ गया। इसका पुत्र था मानबाई, पत्नी से इसको इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और नवंबर 1627 में ऐसा बताया कि इसकी मृत्यु हो गई। नवंबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई, है ना। जहांगीर की उपलब्धियों के बारे में बात करें, इसके समय पे दो विदेशी दौरा होता है, तो उसी को सोच के बच्चे कई बार लगाते थे अंग्रेज तब भारत आए थे। आपको बता दें अंग्रेजों का आगमन भारत में 1600 में लगभग हो गया था, है ना। तो उस समय 1605 तक तो अकबर का टाइम पीरियड है, तो ये पॉइंट ध्यान रखें। हाँ, विदेश से आने वाले जो दौरे, जो विदेशी नागरिक है, अगर हम लोग बात करें कैप्टन हॉकिंस है, सर थॉमस रो है, तो ये किसके समय पर आ रहे हैं? तो ये जहांगीर के समय पर आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखें। चित्रकला के संदर्भ में बात करें तो स्वर्ण काल इसके समय को कहा गया है। तो हेडलाइन दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। देखिए, जहांगीर के समय विदेशी दौरा। सबसे पहला व्यक्ति आता है कैप्टन हॉकिंस। दूसरा व्यक्ति आता है सर थॉमस रो। ये दो विदेशी यात्री इनके समय में भारत यात्रा कर रहे हैं। और ईयर बड़ा कम है, मुश्किल पूछा जाए, लेकिन फिर भी नोट कर लें, 1608 में है और ये 1615 में ये विदेशी आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स हैं, भारत आ रहे हैं। और यहाँ पे ये सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, ये दो विदेशी दौरे किए जहांगीर के समय पर, यहाँ पर नाम जरूर ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें चित्रकला का स्वर्ण काल, इसके टाइम पीरियड को कहा गया है। तो जहांगीर के समय को नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। अब दो चित्रकार जिनकी चर्चा मिलती है, एक पक्षियों का चित्र बनाता है तो एक मनुष्यों का चित्र बनाता है, है ना। तो उस्ताद मंसूर, जो कि कहीं ना कहीं पक्षियों के चित्र में महारत हासिल करता है, तो पहला कौन है? उस्ताद मंसूर। ये किसका चित्र बनाता है? पक्षियों का चित्रकार। वहीं पे बात करें दूसरे की तो अब्दुल हसन है, ये मनुष्यों का चित्रकार है। अगला है अब्दुल हसन किसका चित्रकार है? ये मनुष्यों का चित्रकार है
ये मनुष्यों का चित्रकार है। तो इसके संदर्भ में ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। तो जहांगीर का मामला यहाँ तक समाप्त हो जाता है और अगला शासक जो मुगल वंश में देखने को मिला उसके बारे में बात करते हैं, वो है शाहजहां। नोट कर लें यहाँ तक, हेडलाइन दीजिए शाहजहां। हेडलाइन दीजिएगा शाहजहां। देखिए शाहजहां के टाइम की पीरियड की बात करें तो 1627 से लेकर 1658 तक का इसका समय, ठीक है। इसके जन्म की बात करें तो लाहौर में इसका जन्म हो रहा है 1592 में। जन्म कब हो रहा है? 1592 में लाहौर में, लाहौर में इसका जन्म हो रहा है, किसका? शाहजहां का, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके संदर्भ में जो ध्यान रखना है, इनकी माता वही है जगत गोसाई, जो अभी हम लोग बात किए उनके बारे में देख पाए। इसकी पत्नी का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, इसी को मुमताज महल कहा गया और इसी की याद में ताजमहल बनवाएगा। पत्नी का नाम याद रखना है अर्जुमंद बानो बेगम। पत्नी कौन है? पत्नी अर्जुमंद, अर्जुमंद बानो बेगम, बानो बेगम, और इसी को कहा गया मुमताज महल, मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम, इसी को कहा गया मुमताज महल। ये पत्नी है इसकी, है ना। राज्याभिषेक करवाता है आगरा में और राजधानी फिर फाइनली आगरा से दिल्ली भी ले आता है। राज्याभिषेक कहाँ करवा रहा है? तो राज्य अभिषेक शाहजहां ने कहाँ करवाया? आगरा में। लेकिन राजधानी, राजधानी आगरा से, आगरा से दिल्ली ले आया, आगरा से दिल्ली ले आया, ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें शाहजहां के संदर्भ में। और इसी ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। तो मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवा रहा है? शाहजहां ही करवा रहा है। एक मिनट और लिखेंगे इसमें कि मयूर शाहजहां, मयूर सिंहासन का निर्माण, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां। नाम याद रखना है शाहजहां मयूर सिंहासन का निर्माण करवा रहा है और इसी मयूर सिंहासन पर, इसी मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, कोहिनूर हीरा। आपसे दो प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कोहिनूर हीरा मिला कहाँ से और आज की डेट में कोहिनूर हीरा है कहाँ। मयूर सिंहासन पर तो ये लगा रहा है ना, इसके बारे में हम आई गेस बात किए हुए हैं, बट फिर भी देखें किसको ध्यान है। कमेंट करेंगे कोहिनूर हीरा मिला कहाँ से और कोहिनूर हीरा आज की डेट में है कहाँ, ठीक है जी। अब इसके टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है। इसके टाइम पीरियड को क्या कहा गया? शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, आप देखेंगे शाहजहां का समय, शाहजहां के समय को, शाहजहां के, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है, स्थापत्य कला। अब इसने इसमें क्या क्या निर्माण करवाया, जैसे आपने ताजमहल सुना है ना, लाल किला सुना है, ये सब निर्माण करवा रहा है। लोकेशन के साथ याद रखें, जैसे इसने निर्माण करवाया ताजमहल का, ताजमहल कहाँ है ये आप सभी जानते हैं, कहाँ है? आगरा, ठीक है। इसने लाल किले का निर्माण करवाया, लाल किले का निर्माण करवाया, लाल किला कहाँ है? दिल्ली। इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा, है ना, मोती मस्जिद आगरा है। यहीं पे पॉइंट ध्यान रखेंगे, दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के लाल किले में, मोती मस्जिद का निर्माण करवा रहा है औरंगजेब। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब, ठीक है। लेकिन मोती मस्जिद का निर्माण अगर सिंपल पूछे मोती मस्जिद का निर्माण तो आगरा लगाएंगे, अगर आपसे स्पेशली पूछे कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया तो औरंगजेब आपको नाम ध्यान रखना है। और जामा मस्जिद आप सुने होंगे दिल्ली का, ये भी यही बनवाता है ना। अगला नाम चौथा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ये दिल्ली में इसका निर्माण करवाया है। तो स्थापत्य कला में ये चार नाम मैं चाहूंगा एटलीस्ट ध्यान रखें, लोकेशन के साथ में कहां कहां इसको स्थापित कर रहा है, क्लियर है। इसके चार पुत्र होते हैं जिनके बारे में चर्चा मिलती है, लेकिन दो महत्वपूर्ण
शाहजहां के चार पुत्र, शाहजहां के चार पुत्रों का उल्लेख मिलता है, चार पुत्रों का उल्लेख मिलता है जिनमें महत्वपूर्ण मैं चाहूंगा दो नाम याद रखें, एक है दारा सीखो, एक है दारा सीखो और एक है औरंगजेब। दारा सीखो और एक है औरंगजेब, इन दोनों के मध्य ही ऐसा बताते हैं कि जहांगीर शाहजहां की तबीयत खराब हुई और अब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया कि अब शासक बनेगा कौन, ऐसा बताते हैं। तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था दारा सीखो, अगर ये प्यार से बोलता भी तो वो सारा साम्राज्य इसको दे देता, लेकिन युद्ध करके जीतना है ये वाली प्रवृत्ति है ना। तो कौन सा युद्ध होता है? उत्तराधिकार का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध, कई नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराधिकार का युद्ध यहां पे देखने को मिलता है, उत्तराधिकार का युद्ध किनके बीच हो रहा है? तो यहां पे ध्यान रखें दारा सीखो और औरंगजेब के बीच। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको सामूगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं, इसको सामूगढ़, इसको धर्मठ भी बोलते हैं, धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध किनके बीच हो रहा है? दारा सीखो और औरंगजेब। औरंगजेब इसमें फाइनली विजयी हुआ और सारा साम्राज्य कहने के अंडर में आ गया। फाइनली शाहजहां को ये बंदी बना लेता है और बंदी बनाने के बाद कैद करता है, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान रखें 1666 में गैस उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए इसमें तय रखते हैं, औरंगजेब आपका खंड और बचता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें उसको कवरअप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, और ध्यान रहे जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, जैसे क्लासेस चल रही हैं उसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहें। बार बार वीडियो का अगर आप देखते हैं तो क्लास में ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न बनना है यहीं से मिल जाएगा आपको परीक्षा में, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपकी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।